मैं विजय मेरे चैनल मैं ट्विटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी, जो प्रश्नावली जो साथ थी, क्या थी? अवकलज। इसके अपन ने जो फॉर्मूले थे, फॉर्मूले अपन ने मतलब लिख लिए थे और उम्मीद है आपने वो याद भी कर लिए होंगे, और वो याद करोगे तभी अपना प्रश्नावली सॉल्व होने वाली है। उसके बाद अपन ने 7 मिनट के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसके रह गए थे तो उनको अपन देखते हैं, उसके बाद चलेंगे अपन प्रश्नावली 7.2 पर। जो 7.1 के कुछ क्वेश्चंस रहे हैं वो आप देखिए। सबसे पहले ये वाले जो क्वेश्चंस है इनको अपन देखते हैं, ठीक है? तो देखो ये अपने को प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सी की। अरे सभी का क्या करना है, अक्ष के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है? तो बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया था, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक जो तरीका था वो क्या था, यहाँ चेन रूल अप्लाई करते हैं, उसके बाद में इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, श्रृंखला नियम को काम में लेकर के इन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। क्योंकि देखो यहां मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, टेन, इसका अपने को पता नहीं, टेन ये साथ में है तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, अक्ष मान लेता हूं। तो टेन अक्ष का तो सभी को ध्यान में ना होगा, अरे डी बाई डी एक्स लगाओगे इसके, उसके बाद सोल्व करोगे तो टेन अक्ष का, तो टेन अक्ष का अवकलन क्या होता है, तो सभी को ध्यान में है टेन ये क्या मान लेता हूं मैं अक्ष, तो टेन अक्ष का अवकलन तो सभी को ध्यान में होगा। कल मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उनमें टेन अक्ष का अवकलन क्या था, सेक स्क्वायर अक्ष था, तो टेन अक्ष ही है, तो टेन अक्ष का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अक्ष। अक्ष की जगह क्या है, यही है, अरे एक्स की जगह क्या है, मेरे को ये दिखाई दे रहा है क्या, लोग अंडर रूट 1 प्लस अक्ष स्क्वायर, ये किसका हो गया, टेन का, टेन अक्ष का। उसके बाद किसका करोगे, फिर लिख दोगे डी बाई डी एक्स, इसका मैं डायरेक्ट कर देता हूं, अब इसका करूंगा मैं अवकलन, ठीक है? तो अवकलन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहां मेरे को मिलने वाला है देखो क्या, ये अपने पास में क्या है, इसका अवकलन करना है, तो लोग इसका मेरे को नहीं पता तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, अक्ष, तो लोग अक्ष का अवकलन, आप सभी को ध्यान में होगा लोग अक्ष का अवकलन 1/अक्ष, तो अक्ष का मान क्या है, 1+अक्ष स्क्वायर, अरे इसको तुमने अक्ष माना तो 1/अक्ष हो गया, ठीक है? लोग अक्ष का अवकलन 1/अक्ष, फिर तुमने जिसको अक्ष माना फिर उनको उसका अवकलन करोगे, फिर लिखोगे क्या, डी बाई डी एक्स, किसका, इसका, रूट 1+अक्ष स्क्वायर। मैं फिर डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं बिना लिखे, क्योंकि उससे लाइनें क्या हो जाती है अपनी, ज्यादा हो जाती है, तो आपको समझ जाना है, ठीक है? क्योंकि अपन करेंगे तो बड़ा वीडियो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप सभी को समझ जाना होगा कि इसका मैं करूंगा। अब ये क्या है, रूट, अंदर वाले को मैं क्या मान लेता हूं, अक्ष मान लेता हूं, तो रूट अक्ष का मैंने बोला था डायरेक्ट याद आपको करना है क्या, 1/2√x, बाकी उससे अक्ष की पावर एन से भी अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अक्ष की पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन अक्ष की पावर एन माइनस वन, उससे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैंने बोला था डायरेक्ट याद कीजिएगा क्योंकि ये बार बार अपने काम में आने वाला है, तो मैं इसका करूंगा रूट, इसको मैं क्या मान लेता हूं, अक्ष, तो रूट अक्ष का, रूट अक्ष का होगा 1/2√x, अक्ष की जगह क्या है, 1+अक्ष स्क्वायर, अरे रूट अक्ष का मैंने बताया था अवकलन, रूट अक्ष का अपने को क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना, तो रूट अक्ष का 1/2√x, अक्ष की जगह और कुछ है तो यहाँ और कुछ आ जाएगा, उसके बाद जिसको तुमने अक्ष माना उसका भी करना, फिर बोलोगे यहाँ तो नहीं किया, अरे किया था, इसका रूट अक्ष है, अक्ष का अवकलन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। यहां मैं इसका करूंगा 1+अक्ष स्क्वायर का, दोबारा लिखोगे डी बाई डी एक्स, फिर डायरेक्ट में डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, फिर है ना, इसका अवकलन करूंगा तो 1 का तो कितना हो गया, 0 हो गया, अरे 1 का तो कितना हो गया, 0, अक्ष स्क्वायर का मैं अवकलन करूंगा अक्ष स्क्वायर का कितना हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर का कितना हो जाता है 2x, अरे इसका तो 0 हो गया ना, 1 का तो कितना हो गया 0, और अक्ष स्क्वायर का 2x। अब सोल्व कर लीजिए, मेरे को यहाँ 2 से 2 तो कटता हुआ दिखाई दे रहा है, बचा क्या ऊपर तो बचा अक्ष, और साथ में ये साथ में क्या है, सेक स्क्वायर लोग अंडर रूट 1+अक्ष स्क्वायर, ये तो ऊपर, ये ऊपर है, नीचे वाला देखो रूट, अरे इसको गुणा करोगे तो केवल क्या आएगा, 1+अक्ष स्क्वायर ही आएगा, अरे रूट हट जाएगा ना, ठीक है? जैसे अंडर अक्ष को अंडर अक्ष से गुणा करते हैं तो केवल क्या आता है, अक्ष, वैसे ये है, दोनों को गुणा किया, दोनों के अंडर लग रहा तो ये आ गया, ठीक है? तो ये इसका क्या हो गया आंसर। बाकी आपको थोड़ा सा मतलब पूरा डिटेल से करना है कि कैसे सोल्व करना, मैंने बताया था, पहले इसका अवकलन करो फिर डी बाई डी एक्स, ये फिर इसका अवकलन करोगे फिर डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1+अक्ष स्क्वायर, फिर इसका अवकलन करोगे फिर डी बाई डी एक्स 1+अक्ष स्क्वायर का, उससे आपको थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, लंबा इसका आंसर मिलेगा, आंसर तो ये मिलेगा, बस जो तरीका है जो ये स्टेप हो जाएगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? अब अपन बात करते हैं किसकी,
जो बी वाला क्वेश्चन है, बी वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आते हैं बी वाले क्वेश्चन पर। तो बी वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, बी वाला क्वेश्चन अपने को दिखाई दे रहा लोग, लोग वाला ही है ये। तो मैं सोल्व करता हूं, तो सोल्व करूंगा तो देखो ये भी मान लेता हूं लोग, ये क्या है पूरा का पूरा अक्स ही है, क्योंकि लोग अपने को केवल और केवल लोग अक्स का उत्तर था, लोग अक्स का वन बाई अक्स। तो देखो लोग अक्स का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ना, तो लोग अक्स का वन बाई अक्स, अक्स क्या है बताओ, ये अपना अक्स है, अक्स क्या है, अक्स प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा ए, बटा ए कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, सभी को ध्यान में होगा ना, क्योंकि वन बाई वन है, नीचे वाला क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, तो इस प्रकार से अपना मिलेगा। हाँ अब इसके बाद किसको सोल्व करेंगे अपन, अब उसके बाद में किसका, जिसको तुमने एक्स माना है, जिसको तुमने एक्स माना है उसको सोल्व करोगे, एक्स किसको माना अपन ने, इसको माना है, तो इसका मैं आउटलाइन निकालूंगा ठीक है। अरे पहले तो लोग ये क्या था अपना एक्स, लोग एक्स था वन बाई एक्स, ये हो गया। उसके बाद इसका निकालूंगा जिसको तुमने एक्स माना है, इसका आकलन करोगे, तो देखो यहां मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये बटा में ए जो है, अरे ये पूरा ए से लिख लेता हूं मैं, कोष्ठक लगा करके आगे गुणा में क्या लगा लूं, एक लगा लूं क्या, एक लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वन बाई ए तो क्या है कॉन्स्टेंट है, तो वन बाई ए तो कॉन्स्टेंट है, तो बाहर रख लेता हूं उसको, तो है ना वन बाई ये तो क्या था कॉन्स्टेंट, चाहे यहां लिख लो चाहे बाहर लिख लो, मैंने कहा लिख लिया बाहर लिख लिया, अरे है तो गुणा में ही ना आएगा, तो गुणा में चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, अरे दो गुणा तीन करो चाहे तीन गुणा दो करो, है ना कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, मतलब आगे पीछे कर सकते हो गुणा में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वन बाई ए मैंने कहा लिख दिया, आगे लिख दिया उठा करके, है ना। अब देखिए इसका अपने को करना है, अरे वन बाई ये तो कॉन्स्टेंट था, अब मेरे को केवल और केवल इसका करना है ठीक है। तो इसका करूंगा तो x का कितना हो गया, अवकलन करोगे तो x का तो कितना होता है एक, उसके बाद में अरे x का अवकलन एक ध्यान में ना कैसे होता है ठीक है, और उसके बाद रूट, इसको मैं क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं, तो रूट x का वन बाई टू रूट x, ये हो गया अपना ठीक है। अरे रूट अंदर वाले को मैंने क्या मान लिया x, तो रूट x का अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया रूट x का वन बाई टू रूट अक्स, अक्स अपने इसको माना था, फिर किसका करोगे जिसको तुमने अक्स माना, अक्स किसको माना मैंने, अक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को माना, तो अक्स स्क्वायर का तो अवकलन कितना हो गया टू अक्स, प्लस ए स्क्वायर का कितना जीरो, तो जीरो लिखने के पड़े को आवश्यकता नहीं है, तो जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, दो से दो कट गया। उसके बाद अपना आंसर क्या मिलेगा, ए से ए कट गया, तो मेरे को आंसर क्या मिला वन बाई अक्स प्लस रूट अक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर आपको क्या मिलेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां मेरे को क्या मिलेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब मेरे को दिखाई दे रहा कि ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे कैसे, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया है ना, और बचा क्या वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपना क्या मिल गया इसका आंसर मिल गया ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। अब करते हैं इसका जो ए है, अभी इस ए को सोल्व करते हैं। अब ए वाला क्या है, अब देखो इस तरीके से करना चाहोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, कैसे लोग अक्स का वन बाई अक्स, ये तो चलो ठीक है, फिर इसका किसे करोगे यू अपोन वी से, तो यू अपोन वी से करोगे तो उससे भी आप सोल्व कर सकते हो ठीक है। आंसर अपने को मिलेगा वही मिलेगा, लेकिन मैं क्या करता हूं दूसरे तरीके से इसको सोल्व कर लेता हूं, उससे क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। अरे तो ये तरीका जो मैंने बताया है इससे सोल्व कर सकते हो, या अपने को दिखाई दे रहा है क्या क्या दिखाई दे रहा है, और वैसे ही मैं इसको भी क्या कर सकता था सोल्व कर सकता था, कैसे देखो इसी का दूसरा तरीका क्या था, मैं इसको ऐसा करता, कैसा करता देखिए, लोग मैं यहां पर गुणा लगाता किसका लोग m अपॉन n का, देखिए यहां से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो क्या आता मेरे को, अरे लोग आप सभी को ध्यान में है लोग m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, लोग m माइनस लोग n होता है, तो मैं इसको क्या लिख लेता लोग, ये ऊपर वाला तो m है नीचे वाला n है, तो ये क्या हो जाता लोग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस लोग ए। अब इसका अवकलन कर लेते, इसका करते
तो आंसर आ जाता, और उसका करते तो कितना आता जीरो, क्योंकि लोग ए क्या है कॉन्स्टेंट है, तो लोग ए का कितना हो जाता इसका तो अपना हो जाता जीरो, इसको सोल्व कर लेते तो अपना जो आंसर था वो अपना मिलने जाता, वो का वही मिलता। ऐसे ही मैं इसको करूंगा तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अपने को यू अपॉन वी से सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग एम अपॉन एन का, तो लॉग एम माइनस लॉग एन अपना हो गया। अरे फॉर्मूला लगाया मैंने, अभी अवकलन नहीं कर रहा हूं, फिर ध्यान दीजिएगा केवल और केवल मैं इसको क्या कर रहा हूं, सोल्व किया है मैंने इसको। हाँ अब कर लेते हैं अपना अवकलन, अपने को करना क्या था इसका डी बाई डी एक्स करना था, तो डी बाई डी एक्स दोनों का अलग अलग लगाना, उसके बाद अपने को सोल्व करना। पहले मैं इसका कर देता हूँ अवकलन, डायरेक्ट करता हूँ तो अवकलन इसका करूंगा, तो लोग इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, तो लोग अक्ष का अवकलन क्या हो जाएगा, लोग अक्ष का अवकलन होता है आप सभी को ध्यान में है 1/x, अक्ष की जगह क्या है अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस एक, और फिर इस किसका करोगे जिसको तुमने अक्ष माना है इसका भी तो करोगे, तो इसका करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको अक्ष स्क्वायर का तो कितना मिल जाएगा 2x प्लस अक्ष का कितना एक, ठीक है। अक्ष स्क्वायर का ध्यान में ना कैसे हल करता है, एक्स की पावर एन से है ना, और माइनस ये लोग ये क्या है अपना अक्ष ही तो है, तो लोग अक्ष अक्ष मान लेते हैं इसको, वैसे अक्ष होता नहीं है, अपन क्या करते हैं इसको लेट करते हैं मानते हैं उसके बाद सोल्व करते हैं, तो लोग अक्ष का जो अवकलन है जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, लोग अक्ष का डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/x, अक्ष की जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और फिर इसका करोगे तो एक्स स्क्वायर का तो कितना 2x और माइनस एक्स का कितना 1। अब इसका क्या करोगे एलसीएम लेकर के आप सोल्व कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा इसका कंप्लीट आंसर मिलने जाएगा। तो उम्मीद है ये आप इसको कर लोगे। उसके बाद अपन करते हैं एक और क्वेश्चन इसका। अब एक और क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन दिया है क्या कि साइन क्यूब एक्स और साइन 3x, इसका अपने को क्या करना है वही अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन ज्ञात करना किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो अवकलन ज्ञात करना है डी बाई डी एक्स, तो मैं किससे करूंगा, तो किससे करना u डॉट v से, तो u डॉट v से आपको ध्यान में होगा पहले मैं क्या करूंगा इसका अवकलन कर लूंगा ये ऐसा कैसा रहेगा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर इसका अवकलन करूंगा ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। अरे एक एक का अवकलन करते रहना है बाकी के ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, और हर एक के बीच में किसका चिन्ह लगाना प्लस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए यहां पर अपन सोल्व करें, तो पहले मैं इसका अवकलन करूंगा, तो ये है क्या मैंने बताया था कल भी आपको बताया था साइन क्यूब एक्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है साइन एक्स का होल क्यूब है, ठीक है ध्यान से समझिएगा, साइन क्यूब एक्स का मतलब साइन एक्स का होल क्यूब है, ठीक है। अब ऐसे मत करना कभी साइन एक्स क्यूब आ जाए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि साइन एक्स का होल क्यूब है, वो केवल और केवल किसका क्यूब है, जो अपना एंगल है केवल और केवल उसका क्यूब है। यहां अपने पास साइन क्यूब एक्स का मतलब जो साइन एक्स है उसका पूरे का क्यूब है, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है, साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स क्यूब बिल्कुल क्या है अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब यहां मैं करता हूं पहले इसका करूंगा अवकलन, ये पड़ा रहेगा ऐसा का, तो इसका अवकलन करूंगा, तो साइन क्यूब एक्स का अवकलन, साइन क्यूब एक्स का मतलब मैंने ये बताया कि ये है, तो इसका सोल्व करोगे अवकलन इसका करोगे तो क्या मिलेगा आपको साइन एक्स का क्यूब है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये मान लो एक्स ही है, ये क्या है एक्स है, तो एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब का अवकलन, अरे एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का आपको ध्यान में घात कहा जाती है आगे, अरे घात कहा जाएगी आगे और घात एक कम हो जाएगी है ना, तो इसका क्या होता है तीन एक्स स्क्वायर, तीन एक्स ये है तो तीन एक्स स्क्वायर, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, अरे साइन एक्स का स्क्वायर आएगा ऐसा आएगा, तो इसका मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स ही होता है, और ये ऐसा अच्छा उसके बाद किसका करोगे जिसको तुमने एक्स माना, एक्स किसको माना तुमने साइन को, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा क्या कोस एक्स। इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई तो देखो ये वाला क्या रहेगा ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, मैंने क्या बोला पहले वाले का अवकलन कर लो, कर लिया, दूसरा वाला पड़ा रहेगा, फिर बीच में किसका चिन्ह प्लस का, अब मैं किसका करूंगा दूसरे वाले का, तो साइन थ्री एक्स का, तो ये मान लेता हूं साइन थ्री एक्स का मेरे को अवकलन करना है, तो ये थ्री एक्स तो मैं क्या मान लेता हूं एक्स मान लेता हूं, तो देखो साइन का तो आता ही ना साइन, ये मान लेता हूं एक्स है, तो साइन एक्स का कोस एक्स, एक्स की जगह तीन एक्स है, फिर तीन एक्स का करोगे जिसको तुमने एक्स माना उसका करोगे तो तीन एक्स का कितना हो गया तीन, और जो पहला वाला है वो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा
साइन क्यूब अक्स है। अब इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, आगे कैसे सोल्व करोगे आप सभी को ध्यान में है, इनमें मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो मेरे को तीन कॉमन दिखाई दे रहा है और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को साइन स्क्वायर अक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, ये लो साइन स्क्वायर एक्स को ले लिया, बचा क्या तीन, तीन तो ले लिया अपन ने, केवल क्या दिखाई दिया कोस एक्स साइन तीन एक्स प्लस तीन अपन ने ले लिया साइन क्यूब एक्स भा ले लिया, अच्छा साइन स्क्वायर ले लिया, तो बचा क्या अपने पास में साइन एक्स और कोस थ्री एक्स। यहाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हो, देखो फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, इसको तो मैं मान लेता हूँ क्या, इसको मैं मान लेता हूँ ए, तीन एक्स को तो मैं क्या मान लेता हूँ ए, और अक्ष को क्या मान लेता हूं मैं बी, ये लो अक्ष को क्या मान लेता हूं मैं बी, तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, चाहे आप उल्टा भी मान सकते हो, चाहे ए किसको मान लीजिए अक्ष को और बी किसको मान लीजिए तीन अक्ष को, उससे भी अपने को वही आंसर मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा तीन साइन स्क्वायर एक्स, किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मेरे को साइन का गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करोगे तो कितना मिल जाएगा चार, ये तो अपना क्या मिल गया आंसर मिल गया। अब हम करते हैं जो प्रश्नावली 7.2 है उसके क्वेश्चंस, तो प्रश्नावली 7.2 क्या है कि निम्न का अक्ष के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। अभी यहाँ पर जो प्रश्नावली 7.2 है इसमें प्रतिस्थापन विधि काम में लेनी है, और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि जैसे अक्ष है तो अक्ष की जगह अपन और कुछ पुट कर लेते हैं, और कुछ अपन मान लेते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूट मेथड, अपन अक्ष की जगह और कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो वो अपना होता है सब्स्टिट्यूट मेथड होता है। लेकिन करना सभी में क्या है, अरे काम वही है कि सभी का अक्ष के रिस्पेक्ट में अपने को क्या करना है डिफरेंशिएशन अपने को फाइंड आउट करना है, अक्ष के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो कैसे करें, या तो आपको फॉर्मूले याद होंगे कि ये किसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप बता सकते हो प्रश्नावली जो दो है उसमें मैंने इसके फॉर्मूले सभी करवा रखे हैं, इनवर्स वाले जितने फॉर्मूले हैं प्रश्नावली दो में अपन ने कर रखे हैं, और जिन्होंने प्रश्नावली दो के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार प्रश्नावली दो जरूर देखें, उसके बाद ही ये जो प्रश्न है अपने समझ में आने वाले है। और जो त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले थे, मैंने जो प्रश्नावली सेकंड है, जो एक्सरसाइज सेकंड है, जो चैप्टर सेकंड था, उसमें मैंने सभी फॉर्मूले करवा दिए थे, उनको आपको याद में जरूर रखना है, ध्यान में जरूर रखना होगा, क्योंकि उन्हीं से अपना ये सॉल्व हो पाएगा। तो देखो, या तो आप यहां डायरेक्ट मेरे को ध्यान में है कि ये किसका फॉर्मूला होता है 2 sin इनवर्स x, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा 2 sin इनवर्स x, 2 तो अपना कांस्टेंट, sin इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 − x², तो इसका आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अपने को पूरा डिटेल से सोल्व करना है तो मैं क्या करूं, तो जब भी आपको क्या दिखाई दे कि इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा, तो अक्ष की जगह क्या पुट करूं कि अपना फॉर्मूला बन जाए। तो देखो यहां पर अक्ष की जगह देखो, यहां देखो रूट में वन माइनस, यहां अक्ष की जगह क्या पुट करोगे फॉर्मूला बन जाए, तो देखो अक्ष की जगह साइन पुट करूंगा तो 1 − sin² का कुछ फॉर्मूला होता है या नहीं होता, तो ध्यान से देखिएगा, यदि अपने को कहीं मिलेगा क्या इस प्रकार से मिल गया √1 − x², तो मैं अक्ष की जगह क्या पुट करूं कि अपना फॉर्मूला बन जाए, तो मैं अक्ष की जगह क्या करूंगा कि या तो क्या पुट करूंगा साइन थीटा, देखो 1 − sin² का फॉर्मूला क्या होता है cos²θ² से रूट कट जाएगा, ठीक है, या फिर मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ cos θ भी पुट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1 − cos रखोगे तो cos², 1 − cos² का भी फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से आपको कहीं दिखाई दे 1 + x², तो x की जगह क्या पुट करूं, अच्छा और इसी में एक चीज और, यदि मेरे को यहां 7 के साथ क्या दिखाई दे रहा है a, तो a² है ना, तो मैं क्या करूंगा क्या 7 के साथ a ले लूं क्या, ताकि यहाँ क्या आ जाएगा a² sin², तो एक a² कॉमन आ जाएगा, a² कॉमन आकर के बाहर क्या आ जाएगा a, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, यदि a दिखाई देता तो 7 के साथ क्या पुट कर लेना a भी पुट कर लेना, जो अरे पुट करते हो ना आप, ये मानो a² नहीं है, यहाँ क्या है एक ही है, तो एक था तो अपन क्या पुट करोगे ये, और ए भी दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पर ए ले लिया, इस प्रकार सॉल्व करना। अब यहाँ पर मैं अक्ष की जगह क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए, 1 + sin रखूंगा तो 1 + sin² का कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता, कोस का 1 + cos² का नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा अक्ष की जगह tan थीटा पुट कर लूंगा, फॉर्मूला होता है 1 + tan²θ sec²θ, या फिर
क्या पुट कर सकता हूँ मैं कोट थीटा, तो फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो सोल्व कर सकते हो, यदि मेरे को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ ए स्क्वायर साथ में, तो यहाँ मैं क्या करूंगा ए बी पुट करूंगा, ऐसा है ना। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि अपन कैसे कैसे क्वेश्चन में क्या पुट कराना है, ठीक है। मेरे को ये दिखाई दिया वन प्लस एक्स ही दिखाई दिया, तो मैं क्या करूंगा एक्स की जगह क्या पुट कर दूं कि फॉर्मूला बन जाए, मैं वन प्लस कोस थीटा पुट कर देता हूं, मतलब वन एक्स की जगह क्या पुट कर देता हूं कोस थीटा, उससे क्या होगा वन प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, वन प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। दूसरी प्रश्नावली में सभी चीजें करवा रखी है, हाँ माइनस होगा तो भी अपन क्या पुट करेंगे कोस थीटा, तो उससे क्या होगा वन प्लस कोस थीटा का भी होता है वन माइनस कोस थीटा का भी होता है, ठीक है। यदि या ए दिखाई दे रहा तो साथ के साथ क्या ले लोगे ए ले लोगे, तो अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और यदि आपको डायरेक्ट यदि कुछ और दिखाई दे तो आप और कुछ पुट कर सकते हैं, जैसे मेरे को ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अभी यहाँ पर मैं इनके अलावा मेरे को और कुछ दिखाई दे रहा है, देखो या इनके अलावा मेरे को और क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, अब ये तो बिल्कुल अलग ही है। तो देखो टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या रखूं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए, तो देखो एक्स की जगह में यदि टेन थीटा पुट कर रहा हूं तो फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है सभी को ध्यान में होगा, किसका फॉर्मूला होता है सॉरी टू नीचे किसका चिन्ह है प्लस का है, तो किसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, यदि नीचे किसका चिन्ह होता माइनस का तो वो किसका फॉर्मूला होता टेन टू थीटा का, टेन टू थीटा का फॉर्मूला टू टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू टेन थीटा बटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा का ये होता है। तो देखो डायरेक्ट अपने को आंसर मिल जाएगा एक्स की जगह क्या पुट करते ही टेन थीटा पुट करते ही, देखो यहां पर मैं एक्स की जगह क्या पुट करूं कि फॉर्मूला बढ़ जाए, एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा देखो कोस इनवर्स है तो चार एक्स की जगह में कोस थीटा पुट कर दूं तो चार कोस स्क्वायर थीटा माइनस तीन कोस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है कोस थ्री थीटा का। तो देखो सोल्व करते हैं, जैसे मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, मैं एक्स की जगह क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए, तो देखो मैं पहले तो आपको ध्यान में है अक्ष के सापेक्ष क्या करना है अवकलन ज्ञात करना, तो मैं अवकलन बाद में ज्ञात करूंगा, पहले मैं इसको थोड़ा इजी बनाने का ट्राई करता हूं। मैं इजी बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, मैं अक्ष की जगह क्या पुट कर देता हूं, अक्ष की जगह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया या तो साइन थीटा पुट कर दीजिए या फिर कोस थीटा पुट कर दीजिए, दोनों से अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं अक्ष की जगह साइन थीटा पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स, देखो टू अक्ष की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं साइन थीटा अंडर वन माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं साइन थीटा, तो इसके क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है, ये लीजिए ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व करोगे तो साइन इनवर्स टू साइन थीटा और अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है ध्यान में होगा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो इजी फॉर्मूले हैं सभी को याद होते हैं, तो इनको तो आप याद रख सकते हो साइन इनवर्स टू साइन थीटा और स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो क्या आ गया कोस थीटा, तो देखो साइन इनवर्स टू साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। अब मेरे को दिख रहा साइन इनवर्स से साइन कट गया तो क्या आ गया टू थीटा, अब टू तो है अपने पास में, थीटा की जगह में वापस चेंज कर लेता हूं, अरे थीटा तो अपने मन से माना था ना, यहाँ क्या किया था अपन ने माना था लेट अक्ष इज इक्वल टू साइन थीटा, माना अक्ष बराबर क्या है साइन थीटा है, उसके बाद अपन ने केवल इसको क्या किया इजी बनाया, अभी देखो कितना छोटा हो गया, अब अक्ष थीटा की जगह वापस क्या रख देता हूँ थीटा के बराबर क्या आएगा साइन उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, तो ये लो अरे दो तो था ना थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया साइन इनवर्स अक्ष, तो देखो ये कितना इजी अपन ने सोल्व कर लिया, केवल अपन ने क्या किया इसको सोल्व किया है अवकलन, तो मैं अब करूंगा देखो अब अवकलन करूंगा अपना, मैंने देखो यहां अवकलन नहीं किया, मैंने थीटा की जगह चेंज करके अवकलन किया, क्यों क्योंकि थीटा तो अपने मन से माना था, अपने को वापस किस में लाना है अक्ष में, क्योंकि देखो किसके सापेक्ष अवकलन अपने को ज्ञात करना है अक्ष के सापेक्ष, जो वेरिएबल होना चाहिए वो अक्ष ही होना चाहिए, हाँ तो देखो इसका करूंगा मैं, तो देखो क्या हो जाएगा टू साइन और अक्ष का अवकलन करूंगा, तो देखो टू तो अपना क्या है, अरे इसी का क्या करना अपने को डी बाई डी एक्स करना है ना, अरे अवकलन का मतलब डी बाई किसके सापेक्ष है अक्ष के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स, तो देखो दो तो अपना क्या है कॉन्स्टेंट साइन इनवर्स अक्ष का, सभी को ध्यान में होगा अवकलन क्या होता है वन अपॉन
रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो गया आंसर हो गया। मैंने देखो डायरेक्ट क्या बताया था, इसका फॉर्मूला यदि आपको ध्यान में होगा प्रश्न वाले दो से, तो क्या होता है, यही तो होता है। तो टू क्वेश्चन इसका ये हो गया, कितना इजी हो गया। हाँ यहाँ अपने को क्या करना, मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं एक्स की जगह क्या रखूँ कि फॉर्मूला बन जाए। तो देखो इनमें से अपने को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं क्या करता हूँ ये एक्स बनाने का प्रयास करते हैं। मैंने रखा साइन थीटा रखने का प्रयास किया, कोस रखने का प्रयास किया, टेन रखते ही अपने को आंसर मिल गया। तो देखो मैंने क्या किया, माना अक्ष की जगह क्या रख दिया मैंने टेन थीटा, उससे क्या हुआ अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ देखो क्या मिल गया, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने क्यों क्या किया है, अक्ष की जगह टेन थीटा रखा है। तो यहाँ से देखो ये किसका फॉर्मूला मिल रहा है मेरे को, ये किसका फॉर्मूला है आप सभी को ध्यान में होगा, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन टू थीटा का। लेकिन अब यहाँ समस्या हो गई, क्या कोस इनवर्स तो अंदर कोस होना चाहिए था तभी करता, तो नहीं कट रहा। तो आपको एक चीज और ध्यान में होगी, क्या ध्यान में होगी, चलो ये लिख देता हूं, मैं इसी में लिख देता हूं ना, कि जैसे साइन थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। अरे साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो मैं यहां क्या करता हूं, देखो यहां मैं अप्लाई करूंगा इसी चीज को, तो कोस इनवर्स साइन थीटा, ये साइन थीटा की जगह बस 2 थीटा आ गया, तो साइन थीटा तो क्या आ जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि देखो बाहर कोस इनवर्स था तो अंदर कोस आ जाए तो कट जाए तो इजी हो जाए अपना। तो ये कट गया, क्या मिलेगा अपने को, पाई बाई टू माइनस थीटा। अरे कट गया नहीं, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हो जाता है अपना, प्रश्नावली दो में मैंने करवा रखा है सभी चीजें इनवर्स वाली। अब देखो पाई बाई टू, लेकिन जो थीटा है उसको तो अपने को बदलना ही पड़ेगा, किसमें, देखो थीटा को मैं वापस चेंज कर लेता हूँ, थीटा की जगह क्या आ जाएगा बोलो, टेन इनवर्स एक्स। अब देखो इसको तो मैंने केवल और केवल क्या किया है, मैंने केवल सोल्व किया है, अभी अवकलन नहीं किया है। अरे अभी अवकलन नहीं किया, किया है तो बताओ, कहीं भी चेक कीजिए कहीं अवकलन किया है क्या, कहीं पर भी अवकलन नहीं किया है। अब मैं अवकलन करता हूं, अवकलन का मतलब डी बाई डी एक्स, अवकलन करोगे ऐसा लाइट गई, कोई बात नहीं अभी आ जाते, इसको तो कर लेते उसके बाद अपन आगे करेंगे। तो पाई बाई टू का अवकलन तो कितना हो गया, जीरो माइनस टेन इनवर्स एक्स का, सभी को ध्यान में होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो गया आंसर हो गया जीरो, लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अब देखो करें सी वाले क्वेश्चन की बात, तो देखो सी वाला क्वेश्चन क्या है, अब एक्स की जगह क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए। अब इनमें से तो कोई ऐसा है नहीं, तो अब डायरेक्ट देखिए कि एक्स की जगह ऐसा क्या रखूं कि अपना फॉर्मूला बन जाए किसी न किसी का। तो देखो मेरे को यहां दिखाई दे रहा है, यदि मैं एक्स की जगह साइन रखूंगा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, चार साइन क्यूब माइनस तीन साइन थीटा, किसी का फॉर्मूला नहीं होता। मैं यदि एक्स की जगह क्या पुट करूं, एक्स की जगह कोस थीटा पुट करूंगा, तो बताओ ये किसी ना किसी का फॉर्मूला बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। तो अपने को देखो क्या बनेगा, ये चार अक्ष की जगह कोस थीटा पुट करोगे और इसका क्या है क्यूब है, और माइनस तीन कोस थीटा ये लीजिए। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, तो कोस इनवर्स चार कोस क्यूब थीटा माइनस तीन कोस थीटा, ये अपना फॉर्मूला किसका होता है, कोस थ्री थीटा का। तो कोस इनवर्स से कोस कट गया तो बचा क्या, थ्री थीटा। लेकिन थ्री थीटा जो आया है ये तो अपन ने अपने, अरे इसको सोल्व करने पर आया है। अब मैं क्या करूंगा, थीटा की जगह वापस पुट कर दीजिए, थीटा की जगह वापस क्या रखोगे, कोस इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन कर लीजिए डी बाई डी एक्स, अब आपको ध्यान में है इसका अवकलन करना आता है। अरे अभी तो केवल इसको सोल्व किया था, अवकलन तो अब करेंगे। तो तीन अपना क्या है कोस्टेंट, कोस इनवर्स एक्स का आपको आता ही होगा माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो गया अवकलन हो गया। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया आंसर हो गया कितना, माइनस तीन बटा अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी भी आपको ध्यान में होता तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको ध्यान में होना चाहिए था कि कोस इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या था, थ्री कोस इनवर्स एक्स, दूसरी प्रश्नावली में कर रखा था, बार बार दूसरी प्रश्नावली का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब कि जो दूसरी प्रश्नावली अपनी काफी मोस्ट प्रश्नावली है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी उसमें है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी उसमें फॉर्मूले थे, तो सभी चीजें अपने यहाँ काम आने वाली है। यही नहीं, जब अपन इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहां भी अपने काम में आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए ये काफी मोस्ट हो जाती है प्रश्नावली दो। अब अपन बात करते हैं यहां पर कि अक्ष की जगह क्या रखूं,
ये अपना इजी हो जाए। देखो एक तो तरीका क्या था, यदि इनको अपन उनसे भी सोल्व कर सकते थे, साइन इनवर्स ये क्या मान लेता मैं अक्स, तो साइन इनवर्स अक्स का अवकलन 1/√1 - x2, फिर इसका करता u/v से, तो कितना लेंथ हो जाता, आंसर हो सकता है ये का ये आ जाए, है ना, तो आंसर वो का वही आएगा, तो अपन सोल्व उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो उससे क्या होता है लेंथ ही बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए अपन ने ये वाले तरीके यहां अपनाए हैं। तो यहां देखो मैं x की जगह क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए, तो देखो ये वो वाली चीज आ गई ये वाला, तो बताओ 1 + x की जगह क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए, तो x की जगह दो चीजें हैं, या तो आप ये देखो sin थीटा कहां गया, x की जगह cos थीटा पुट कर सकते हैं और cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, उससे क्या होगा थीटा रखने से थीटा / 2 आएगा और 2 थीटा से केवल थीटा आएगा, कैसे, यदि 2 थीटा पुट करोगे तो 1 + cos 2 थीटा का आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए क्या होता है 2 cos² थीटा, यदि आप केवल थीटा पुट करोगे तो यहां क्या आएगा 2 cos² थीटा / 2, देखो आंसर दोनों से अलग अलग आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए 2 थीटा रखोगे तो बटा में नहीं आएगा, और यदि आप 2 थीटा रखोगे तो किस में आएगा बटा में आएगा, केवल इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो कैसे भी आप सोल्व कर लीजिए या तो थीटा से या 2 थीटा से, मैं किससे कह लेता हूँ एक्स की जगह कोस 2 थीटा रख करके आपको बताता हूँ, थीटा से भी आप खुद करके चेक कीजिएगा सेम आंसर आपको मिलेगा, मैं एक्स की जगह कोस 2 थीटा रखूँ या कोस थीटा रख लेता हूँ ये लो, ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं हो, एक्स की जगह कोस थीटा ही रख लेता हूँ, एक्स की जगह कोस थीटा रखा तो बोलो आपको क्या मिलने वाला है, यहां से आपको मिलेगा क्या कोस इनवर्स √1 + x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ कोस थीटा बटा में दो, यहां से सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कोस इनवर्स 1 + cos θ का फॉर्मूला आपको ध्यान में है, 1 + cos θ का क्या 2 cos² θ / 2 और बटा में भी क्या है 2 है, तो 2 से 2 कट गया, कोस इनवर्स मेरे को क्या दिखा स्क्वायर से रूट कटता हुआ दिखाई दिया, क्या मिला मेरे को कोस थीटा / 2, कोस इनवर्स से कोस कटा क्या आ गया थीटा / 2, तो एक गुणा में क्या मानता हूँ 1, तो 1/2 तो अपना क्या है कोस थीटा की जगह मैं वापस रख लूंगा क्या कोस इनवर्स, अभी तो इसको केवल क्या किया है सोल्व किया है, अब आप क्या करोगे इसका अवकलन, तो 1/2 कोस है कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा -1/√1 - x², तो इसका क्या मिल जाएगा अपना आंसर मिल जाएगा। अब करते हैं इसी प्रश्नावली के कुछ और क्वेश्चन, अपने जो 7.2 चल रही है इसी के कुछ और क्वेश्चन अपन हल करते हैं। अब करते हैं आज की वीडियो के लेक्चर के अंतिम क्वेश्चंस, तो देखिए अंतिम 3 क्वेश्चन अपन करते हैं उसके बाद में करेंगे वीडियो लेक्चर अपना समाप्त, तो देखो पहला वाला क्या है ये वाला क्वेश्चन है, अब इसका क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा x की जगह बताओ क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए, तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 cos² θ - 1 का फॉर्मूला होता है, तो मैं क्या करूंगा x की जगह क्या पुट कर लेता हूं, मैं x की जगह पुट कर लेता हूं क्या cos थीटा, तो देखो क्या हो जाएगा sec इनवर्स 1/2 x की जगह cos थीटा रख रहा हूं तो स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर माइनस 1, ठीक है यहां से आपको क्या दिखा ये अपन ने पुट किया है x की जगह cos थीटा पुट किया है, अब अपन सोल्व करेंगे तो देखो sec इनवर्स 1/4 ये किसका फॉर्मूला होता है सभी को ध्यान में होगा त्रिकोणमिति में सबसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो sec इनवर्स और 1/cos क्या होता है सभी को ध्यान में है क्या होता है sec होता है sec इनवर्स से sec कटा क्या आ गया 2 थीटा, तो 2 तो है थीटा की जगह वापस क्या रखोगे कोस इनवर्स, अब तो इसका अवकलन कर ही सकते हो ना, यदि इसका क्या करना अपने को अवकलन करना है d/dx निकालना है, तो 2 तो अपना कोस थीटा है कोस इनवर्स का क्या हो जाएगा -1/√1 - x², देखो कितने इजी तरीके से अपना सोल्व हो जाते हैं, बस अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें क्या प्रतिस्थापन करें कि अपना जो आंसर है वो अपना इजीली मिल जाए सॉल्यूशन आसानी से हो जाए, तो देखो यहां पर अपन क्या रखें अब यहां पर देखो ये पूरा का पूरा इसको मैं सोल्व करूंगा, अब सोल्व कैसे करूं तो आप कोई एक चीज ध्यान में होगी यहां क्या ध्यान में होगी कि साइन इनवर्स ये और ये सेम है, तो मेरे को यहां रखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है कि मैं एक्स की जगह क्या रखूं कि अपना फॉर्मूला बने, तो आपको डायरेक्ट ध्यान में होना चाहिए प्रश्नावली 2 अपने दिमाग में आनी चाहिए, और वहां पर एक फॉर्मूला अपने पास में क्या था, वहां अपने पास में एक फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स
प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसका आंसर क्या होता है पाई बाई टू, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स दोनों को अपन जोड़ते हैं तो कितना आता है पाई बाई टू। जब यहाँ जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या हो सेम हो तभी अपना, अरे यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए तभी पाई बाई टू होता है। तो यहाँ देखो यहाँ क्या है साइन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया, अरे इसको सोल्व करने पर कितना हो गया पाई बाई टू, अपने को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल अपना पाई बाई टू आ गया, इसका सॉल्यूशन ही हो गया ये। अरे क्योंकि फॉर्मूला था अपना साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई टू, तो मैंने बस इसकी जगह क्या लिख दिया पाई बाई टू। हाँ अब इसका क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, लिख देना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अपने को क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट कर देता हूँ डी बाई डी एक्स, तो इसका कॉन्स्टेंट तो है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू का कितना हो गया जीरो हो गया। देखो कितनी आसानी से अपना हल हो गया। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे को क्या दिखाई दे रहा, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा देखो थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर देता हूं, शॉर्ट कैसे ताकि अपने को कुछ चीज दिख जाए, मेरे को ऐसा दिख दिखता ये चार अक्ष इसको दो अक्ष और इसको लिख सकता हूं क्या, ताकि देखो यहां पर है वो यहां पर बन गया, उससे होगा क्या मैं टू अक्ष की जगह कुछ भी पुट करूंगा, 2x की जगह क्या पुट कर लेता हूं अपने मन से, तो देखो 2x की जगह यहां देखो बाहर cos इनवर्स है तो यहां भी मैं क्या पुट कर लेता हूं cos इनवर्स पुट कर लूं क्या, ताकि cos इनवर्स से cos कट जाएगा, तो देखो अब इससे बिल्कुल इजी हो जाएगा, अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो करोगे तो क्या मिलेगा आपको cos इनवर्स 2x की जगह क्या करूं मैं cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स रूट वन माइनस टू एक्स की जगह क्या पुट किया मैंने कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा कोस इनवर्स से कोस, अच्छा ठीक है तो कोस इनवर्स से कोस एक्स करता हुआ दिखा, कोस करता हुआ दिखाई दिया तो बचा क्या थीटा बचा, और प्लस टू कोस इनवर्स यहाँ आपको देखो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आएगा क्या साइन थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ क्या आ गया साइन थीटा, लेकिन फिर थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ क्या है बाहर कोस इनवर्स है और अंदर क्या है अंदर साइन है, तो मैं क्या करूंगा वही फॉर्मूला लगाना आपको ध्यान में है, बाहर वाला तो ऐसा कैसा रहेगा चेंज हमेशा किसमें करना अंदर वाले में चेंज करना है, बाहर वाला चेंज नहीं होगा केवल और केवल अंदर वाला अपन चेंज कर सकते हैं, तो मैं अंदर वाला चेंज करूंगा तो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, अरे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है, अब देखो कोस इनवर्स से कोस कट गया तो कोस इनवर्स से कोस कट गया तो बाहर क्या है टू यहाँ क्या है पाई बाई टू माइनस थीटा आ जाएगा क्या गुणा करो कितना आया पाई और माइनस के कितने टू थीटा, तो पाई थीटा माइनस टू थीटा कितने हो गए माइनस थीटा, अब वैल्यू कीजिए और सोल्व कीजिए पाई तो अपने पास में है ही है ये लीजिए पाई तो अपने पास है थीटा की जगह वापस वैल्यू पुट करोगे तो थीटा की जगह क्या आएगा कोस इनवर्स टू एक्स। अब इसका क्या करना है ये तो अभी इसका केवल और केवल क्या है सॉल्यूशन हुआ है, इसको केवल छोटे से रूप में अपन ने बदल लिया इतना बड़ा था बिल्कुल छोटा सा आ गया, अब इसका तो अवकलन आप आसानी से कर सकते हो डी बाई डी एक्स पाई का तो कितना हो गया जीरो और माइनस कोस इनवर्स ये मान लो एक्स ही है ये अपना क्या है एक्स ही है तो कोस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा माइनस, अरे ये माइनस तो कौन सा था बाहर वाला था, अब इसका कर रहा हूं तो कोस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन अनरूड वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा ये तो आएगा, फिर जिसको तुमने एक्स माना इसको तुमने एक्स माना था इसका करोगे तो इसका कितना हो जाएगा दो, तो कॉन्स्टेंट एक्स का कितना एक तो कितना आ गया दो, तो आंसर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस दो बटा अनरूड वन माइनस चार एक्स स्क्वायर, इसका क्या मिल गया आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। एक अंतिम और बता देता हूं थोड़ा सा कि कहीं पर आपके कहीं दिक्कत नहीं हो, एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं, ये मान लो इनके जैसा ही एक क्वेश्चन लेता हूं मैं क्या एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा कि साइन इनवर्स ले लेते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा मैंने ले लिया ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं कि इसका हमें क्या करना है अवकलन ज्ञात करना है वही अक्ष के सापेक्ष है ना, अक्ष के रिस्पेक्ट में ही अपने को इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो मैं करूंगा क्या इसका अवकलन करूंगा तो अक्ष की जगह क्या रखूंगी फॉर्मूला बन जाए, तो मेरे को दिख रहा है अक्ष की जगह क्या रखूंगा मैं टेन थीटा रखूंगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन इनवर्स देखो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
तो आपको ध्यान में होगा साइन इनवर्स तो बाहर है, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको याद आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा फोर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स से कोस नहीं कटा। अब क्या करें, वही तरीका अपनाना है। कौन सा तरीका अपनाना है, तरीका वही कि कोस थीटा क्या होता है, जैसे यहां मैंने लिखा था साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, ऐसे ही कोस थीटा क्या होता है, अरे बाहर वाले को तो चेंज नहीं कर सकते, केवल चेंज किसको करेंगे, अंदर वाले को, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा साइन, अरे जैसे साइन थीटा क्या था, कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन थीटा की जगह 2 थीटा है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसी को कई बार क्या करता है, वो थोड़ा सा चेंज करके देता है। अब वो चेंज कैसे करता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो वो चेंज आपको कैसे करके देगा, वो आपको चेंज ऐसे करके देगा, ऐसे 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 कैसे ऐसे देगा वो आपको, ये लीजिए। अब सोल्व करो, अब अपने को ध्यान में है किसका तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, अरे होता है क्या, टेन थीटा भी मैं रख दूंगा तो टेन थीटा रखोगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ उल्टा था तब होता था, वन माइनस टेन स्क्वायर कौन वन प्लस टेन स्क्वायर, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया मामला। तो मैं क्या करता हूँ, अपने को ये तो ध्यान में है ना, यदि मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एक थोड़ी अपन भी चालाकी करते हैं, चालाकी क्या करते हैं, तो देखिए क्या चालाकी करते हैं। तो अपन भी देखो थोड़े से सातिर आदमी है, तो अपन क्या करेंगे साइन इनवर्स, अरे सातिर आदमी लोग हुए तुम सारे के सारे, है ना, देखो क्योंकि सभी बोलते हैं साइंस वाले तो साथी ही होते हैं। तो देखो यहाँ साइन इनवर्स मैं क्या करता हूँ, इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, उससे क्या होगा, जो माइनस का था वो तो प्लस का, जो प्लस का था वो माइनस का, तो ये हो गया क्या, ये हो गया कि नहीं हो गया। और अब आपको एक चीज और ध्यान में आनी चाहिए कि साइन इनवर्स ये माइनस, इस पूरे को क्या मान लेता हूं मैं, अक्स मान लेता हूं, तो साइन इनवर्स माइनस अक्स क्या होता है, माइनस कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उससे भी आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, यदि बाहर क्या होता, कोस इनवर्स होता, तो कोस इनवर्स माइनस अक्स क्या हो जाता है, कोस इनवर्स माइनस अक्स क्या हो जाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स अक्स, ये भी अपन ने दूसरी प्रश्नावली में कर रखा है। फिर दूसरी प्रश्नावली आ गई, इसका मतलब दूसरी प्रश्नावली देखना आपको जरूरी है, आवश्यक है, उसकी नीड आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, एक्सरसाइज सेकंड आपको देखनी ही पड़ेगी। तो पहले आप वो देखिएगा, उसके बाद ये प्रश्नावली, जो नए जो लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, तो पहले दूसरी प्रश्नावली देखोगे, उसके बाद इस प्रश्नावली पर आओगे। तो साइन इनवर्स माइनस अक्स, साइन इनवर्स में माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स वन माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस अक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सोल्व करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, कैसे, वही एक्स की जगह क्या पुट करोगे, टेन थीटा। अब आगे तो सेम ऐसा कैसा है ना, बस बाहर चिन्ह किसका है, माइनस का। तो आप इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है हमेशा की तरह, उसमें आप लिख दीजिएगा, तो मैं आपको दे करके उसका आंसर करवा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो प्रश्नावली है 7.2 है, इसके जो और क्वेश्चंस रह गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, यदि नहीं आते हैं तो मेरे को क्वेश्चन नंबर सहित आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कल करवा दूंगा। उसके बावजूद जो क्वेश्चंस है, अभी काफी सारे क्वेश्चंस इसके रह गए प्रश्नावली 7.2 के, जो मोस्ट क्वेश्चन है कई सारे रह गए हैं, एग्जांपल्स रह गए हैं, तो उनको भी मैं आपको क्या कराऊंगा, सोल्व कराऊंगा कल।